हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा अपडेट निकाला है कि जिससे आप सभी लोग फ्री में गैस प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक नया स्कीम आया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना फ्री गैस कनेक्शन 2.0। तो ये मोदी ने एक स्कीम निकाला है, तो इसको कैसे आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ पर सर्च कर देना है उज्ज्वल योजना 2023, तो इसको लिख कर सर्च कर देना है। तो यहाँ पर आप सभी लोग चले जाना है तीसरे वाले ऑप्शन पर, PMUY हूँ, तो इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यह देख सकते हो यहाँ पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अगर आपको नए कनेक्शन करवाना है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वल 2.0 कनेक्शन, तो इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको मैं बताने देना चाहता हूँ कि एक कनेक्शन करते समय आपको किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड दिया गया है। तो सबसे पहले आपको नो योर कस्टमर KYC, आप सभी लोग को KYC करना है। KYC में क्या लगेगा, आधार कार्ड, आप आधार कार्ड लगा सकते हैं या राशन कार्ड, और बैंक अकाउंट नंबर और उसका IFSC कोड भी। तो सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत होगी आधार कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर की IFSC कोड। ये आप दो दे देंगे तो आपका क्या नाम है KYC कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं लिखा गया है अप्लीकेंट में अप्लाई टू में डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ हर चॉइस आइदर टू सबमिटेड अप्लीकेशन एट द डिस्ट्रीब्यूटर और माय सबमिटिंग ए रिक्वेस्ट दो। तो सबसे पहले यहां पर दिया गया ऑनलाइन पोर्टल, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको तीन ऑप्शन देखने को मिले, जैसे इंडियन गैस का, भारत गैस का और HP गैस का। आपको जिस भी गैस की ज़रूरत है तो उस पर आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर क्लिक टू हेयर पर क्लिक करते हैं इंडियन गैस पर। तो इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा लोड ले रहा है। जैसे आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा आपको इंडिया जो इंडियन ऑयल है, तो इस पर आप सभी लोग को एक बार रजिस्टर करना पड़ेगा। तो चलिए मैं रजिस्टर किया हूँ, आपका अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा को पूरा करता हूँ, उसके बाद सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद आपको इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, आप लोगों को चार ऑप्शन देखने को मिल रहा है, LPG और लॉयल्टी और रिटेल और लूप्स। सबसे पहले यहाँ पर हम LPG पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा लोड ले रहा है। हाँ, लोड लेने के बाद आप सभी लोग देख सकते हैं, जैसे कि मैंने इंडियन गैस पर अब अप्लाई किया था, जैसे कि हमारा ये दिख रहा है, रिलेशनशिप ID भी दिख रहा है, नाम भी दे रहा है, हमारा कहाँ का है, आसपुर देवसरा इंडिया ग्रामीण, और कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया है, सब चीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुक योर सिलेंडर, यहाँ से आप सभी लोग गैस सिलेंडर को बुक कर सकते हैं। रिफंड डिलीवरी टाइम भी देख सकते हैं, ट्रेक योर सर्विस भी देख सकते हैं, डिजिटल पेमेंट भी देख सकते हैं, अगर आप कितने बार डिजिटल पेमेंट किए हैं वो सब देख सकते हैं। यहाँ पर ढेर सारे फीचर दिए गए हैं, यहाँ से आप सभी लोग देख सकते हैं। तो जैसे हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, ये तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, केवल मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस स्कीम में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, यही केवल मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं रजिस्टर वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं
नया पेज खुलकर ओपन आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं सहज ऑनलाइन न्यू कनेक्शन, तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं रजिस्टर फॉर ए ऑनलाइन न्यू कनेक्शन। तो यहाँ पर आप सभी लोग क्लिक करके अपना नया कनेक्शन करा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ऐसे मैं नए नए कंटेंट लेकर आता रहूँगा। चलिए मिलते हैं मैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।